गाइस वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और भाई आज का ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं सुबह 10:30 बजे से। और भाई अर्जुन जा चुका है कॉलेज बाथरूम कर, और ये रही आरती। और भाई अर्जुन मैं अभी छोड़ के आया हूँ कॉलेज, मतलब 10 बजे छोड़ के आ गया था। और वो शायद पहुँचने वाला होगा, कॉलेज में पहुँच गया होगा, उसे लेना था एडमिट कार्ड। तो भाई उसे छोड़ के आ गए हम, और मैं भी जा रहा हूँ। नाश्ता कर लिया तो नहीं ने, अब मैं जा रहा हूँ पढ़ाई करने, क्योंकि कल है हमारा पेपर। मेरा अर्जुन का है परसों, पढ़ने को छोड़। मेरा और आरती का पेपर है छह 6 जनवरी को को सीधा। जब मेरा मतलब मेरा मेरे जब तो 4 पेपर हो जाएंगे, चार नहीं 1 2 3 4। हाँ, इसका जिसका दूसरा पेपर होगा उसके बाद फिर मेरे 2 3 पेपर और हैं। वो तो आसान है, हिंदी है, और फिर हमारा वैदिक मैथ्स है, वो 30 नंबर का होगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और हमारा है पर्सनल साइंस, नहीं वो ये हमारा 30 नंबर का ही होगा। ये जो 1.5 घंटे का पेपर होता है वो तो कर लेंगे। बस थोड़ा हिंदी तो लेकिन नहीं ना, थोड़ा पढ़ना उसमें थोड़ा पड़ेगा, मतलब कि कुछ नहीं पढ़ेंगे, बस रीडिंग खत्म। मतलब बाकी 3 पेपर तो ऐसे ही हैं 6 जनवरी से। तो फिर तो ब्लॉग ही ब्लॉग आएंगे तगड़े तगड़े, फिर तो मस्त मस्त, ठीक है फरवरी ना। पेपर फिर तक जाएंगे, फरवरी आरती के पेपर चलेंगे तक। फरवरी तक 10। तो ठीक है भाई, चलो मैं जा रहा थोड़ा पढ़ाई करने। अब मतलब 1 यूनिट करनी है, बाकी 4 तो मैंने कर लिए, पर रीडिंग मार दी, एक और कर लें फिर मस्त फ्री, ठीक है ना। चलो हम अर्जुन को लेने आए हैं। अर्जुन ये रहा। तो भाई शाम के बज रहे हैं 7, और भाई मैं भी देख रहा था ऑक्शन आईपीएल के। भाई साहब CSK में आ चुका है रचिन रविंद्रा और डैरिल मिचेल, और एक और प्लेयर है, और शार्दुल ठाकुर भी आ गया। एक और प्लेयर है, वो अनकैप्ड इंडियन प्लेयर है, अनकैप्ड प्लेयर, उसका मुझे पता नहीं, नाम भूल गया मैं। सागर कुछ करके कुछ है ऐसे, मतलब भाई हिटर है बिल्कुल, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भाई, बहुत तगड़ा। मजा आ गया भाई, यहाँ पर एक पेसर लेना चाहिए था उन्हें, मजा आया था। एक पैसे इतने थे ही नहीं पर उन पर जॉस शेलवुड सोचा था मैं ले लें, अच्छा बोल रहा है ठीक है, पर लिया ही नहीं। तो मैं चलो देखती हूँ, तो कभी भी चल ही रहा है, और आज भी ठंड हो रखी है। ये किसने मोटर दिला रखी है, ये पता ना किसने मोटर दिला रखी है। तो भाई मेरा है कल पेपर, कल देखते हैं क्या होगा भाई पेपर में। और हमारा तो एक फेक न्यूज ही फैल रही थी, कल का पेपर पोस्टपोन हो गया, सस्पेंड कर दिया गया। अब देखते हैं रात तक मैसेज आएगा कि सच्ची है कि गलत है। अच्छा फेक है, पर क्या पता हो जाए सीरियस, पर हो ना तो बढ़िया हो गया, इतना पढ़ लिया है कि अब नहीं। हम जितना पढ़ा उतना पढ़ लिया, मैं नहीं पढ़ रहा भाई, 7 बज गया यार, सुबह से पढ़ रहा हूँ मैं। अब बीच में 2 3 घंटे ख़राब भी करें, मतलब 5 से 6 बजे तक पढ़ाऊँ, 1 घंटा, 4:30 से 5:30 6 बजे तक, उसके बाद सुबह पढ़ाऊँ थोड़ी देर, 1 2 घंटा, 1 1.5 घंटा। और अब मैं 2 3 2 2.5 घंटे पढ़ाऊँ सीरियसनेस, बाकी सुबह से ऐसी हुआ है, मतलब पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा हूँ एक तरीका से ऐसी है, देख देख के पढ़ रहा था इसे मैं। तो भाई चलो ठीक है, और भाई अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद, मैं थोड़ा देख लूँ ऐसा ऑप्शन ऑप्शन, ठीक है ना, थोड़ा फ्रेश माइंड कर लूँ। कल कल पेपर है, जितना पढ़ा उतना पढ़ा बहुत है, अब कल देखा जाएगा जो होगा पेपर में। तो भाई रात के बज रहे हैं 9:40 हो रहे हैं। अर्जुन भाई कह रहा हो यार भाई, तो मैं जा रहा हूँ सोने भाई, मैंने ऑक्शन ऑप्शन देख लिया भाई साहब, बहुत मजा आया, पर जो मेरे को चेन्नई से में प्लेयर चाहिए थे वो नहीं मिला, पर एक आ गया शार्दुल ठाकुर। मेरे को शायद से मनीष पांडे भी अच्छे लग रहा था भाई चेन्नई में, ये तो पागल क्यों है भाई, फिर से बना क्या ना, अबे नहीं फिर से बना, फिर तो भाई हम अबे फिर भाई कॉपीराइट हो जाएगा, पीडीएफ दिखा देना, अबे तो कोई नहीं, वो काट कर फिर से दो, बना लेना ना, अपन कच्चे में हैं, फिर कट से कर बना, अबे दो बना दे, दिन को कच्ची गहरा अबे बना। कच्ची। तो भाई हम इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर है। तो क्या करना, लाइक करना, शेयर करना, मिलेंगे सब्सक्राइब करना, और कमेंट में जरूर देना कि ब्लॉग कैसा लगा। तो आपसे मिलते किसी नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।